परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे तच्चरणं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। पर्युषण पर्व का आज दूसरा दिन, कल हमने आहार संयम के बारे में जाना, खाद्य संयम क्यों करना चाहिए इसके बारे में कल जाना, और आज का हमारा जो विषय है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या और स्वाध्याय से किस तरह से हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उससे पहले भगवान महावीर की जो साधना, कितनी गहरी साधना थी भगवान महावीर की, उसके बारे में भी हम, हमारा जो ये क्रम चल रहा है आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अलका जी सांखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। तो जय जिनेन्द्र। स्टार्टिंग में नौकार मंत्र से शुरुआत करें। नौकार मंत्र से आप कर दीजिए आनंद भाई जी। जी, ओम ऋण नमो अरहंता, ओम ऋण नमो सिद्धा, ओम ऋण नमो आयरिया, ओम ऋण नमो वज्जाया, ओम ऋण नमो संवसाहु, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानं च सव्येषिं पढ़मं हवई मंगलं पढ़मं हवई मंगलं। चलिए अलका जी, आप स्वी स्टार्ट कर सकते हैं। स्वीकारो सविनय भाव वंदना तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान निरंतर ध्याऊ थारो ध्यान, स्वीकारो सविनय भाव वंदना तीर्थंकर भगवान। भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी गुरुओं को याद करें और सभी अपने अपने गुरुओं को, बहुत लोग हैं जैन हैं अजैन भी जुड़े हैं, तो सबको अपने गुरु को याद करना है और कहने वंदे गुरुवरम। तो वंदे हमारे जो गुरु। भी गुरु हैं, सबके गुरु गुरु होते हैं। कल जब प्रारंभ किया तब मैंने बताया कि जैन धर्म, रिक्वेस्ट फिर एक बार करूंगी, वीडियो ऑफ है काफी, अगर वीडियो ऑन कर सकेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अभी जैसे वीडियो ऑन करने की बात की तो जितने लोग जुड़े हैं, अर्चना, सुचिता, कमला जी, सबके चेहरे पे एक स्माइल सी आ गई, उनकी स्माइल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे वीडियो ऑन हो गए, थैंक यू, कनेक्टिंग कनेक्टिंग, बबीता कनेक्ट कर रही है, तो सभी सुधा बेन और सरिता बेन जो भी जुड़े, कोशिश करें कि हम आपसी के कम से कम देखने की कोशिश करें। तो कल मैंने
आज काफी लोग नए हैं, राजू जी, राजू भाई डांगे भी अमरावती से जुड़े, जो बहुत बड़े नेशनल ट्रेनर है, और उनका पूरा ग्रुप हमारे साथ आज जुड़ा है। तो राजू भाई, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैन धर्म है वो कैसा धर्म है। ये सार्वभौमिक धर्म है। कल मैंने बताया था, ये किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि जैन धर्म में गुणों की पूजा होती है। जिन शब्द का अर्थ ही होता है, वो होता है जिसने जीता। वो कोई भी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि बुद्ध धर्म है, ईसा, शिव, विष्णु, कभी कभी वो व्यक्तिगत होते, बौद्ध धर्म, कभी शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो इस प्रकार इसमें केवल एंड केवल अर्हताओं को, जैन धर्म में केवल अर्हताओं को नमस्कार किया जाता है। ये सिर्फ सांप्रदाय नहीं है, परंपरा नहीं है, अपने आप को जीतने वाला, बस अपने आप को जीतना है। कैसे जीतना है अपने आप को, यही तो जानना है। ये सबसे बड़ी बात है। ये साधना के दिशाओं में काम करता है। जैसे आपको पता है, हमारे नौकार मंत्र में पांच पंच परमेष्टि है, पंच परमेष्टि, उसमें सबसे पहला है नमो अरिहंतानम। तो अरिहंत मतलब जो भी अरिहंत है, जिन्होंने भी अरिहंत, जिन्होंने भी राग द्वेष मोह माया इसका नाश कर दिया है, वो कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, दुनिया में नहीं, विश्व में कोई भी कोने में हो तो वो अरिहंत बन सकता है। इसीलिए तीर्थंकरों को बहुत महत्व दिया गया है। और जैन धर्म में पर्युषण में विशेष साधना की जाती है, वो है गुणों की पूजा, यानी तीर्थंकरों के बारे में जान। तीर्थंकरों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की इतनी अधिक महिमा है कि वैदिक और बौद्ध परंपरा ने भी इसका अनुकरण किया हुआ है, उसका उल्लेख किया हुआ है। वैदिक परंपरावादी अवतार को मानते हैं, अवतार को मानते हैं, इसलिए तीर्थंकर के स्थानों पर वैदिक धर्म में अवतारों की कल्पना आती है। पुराण साहित्य का अनुशीलन करें तो स्पष्ट में अवतारों की संख्या एक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकरों का पूरा इतिहास है, वो निश्चित है। परंतु वैदिक धर्म में जो अवतार दिए हैं, उनकी संख्या एक नहीं है। जैसे भगवत पुराण में 3 अवतार बताए हैं, अन्य पुराणों में कहीं 10 अवतार बताए हैं, एक स्थान तो असंख्य अवतार ऐसा भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार अवतार तो दिए हैं, उसकी संख्या निश्चित नहीं। ये पहला भेद है जैन धर्म में और वैदिक धर्म। इसमें क्लियरिटी हमारे में जो है कि 24 तीर्थंकरों का वर्णन, हिंदी साहित्य में 24 अवतार भी दिए हुए हैं, जैसे मत्स्य, वराह, कूर्म आदि 24 दिए हैं। बौद्ध में भी आप अगर आप देखेंगे तो कितने बुद्ध है, बुद्ध के भी अनंत रूप, अनंत अवतार बताए गए हैं। इसीलिए एक समय कितने बुद्ध होते हैं उसका भी वर्णन बुद्ध में आता है, परंतु 24 तीर्थंकर केवल ही केवल 24 तीर्थंकरों का वर्णन आता है। इसीलिए 24 तीर्थंकरों का उल्लेख जो अवतारों की तुलना से काफी प्राचीन है, काफी प्राचीन है। जैनों की सामग्री इतनी व्यवस्थित है, इतनी जस व्यवस्थित है, उतनी व्यवस्थित अवतारों की जो साहित्य और ग्रंथ है वो इतनी क्लियरिटी में। और अंतिम तीर्थंकर हम जो बात करते हैं, अंतिम तीर्थंकर 24वें भगवान महावीर की बात करते हैं। भगवान महावीर क्या कहते हैं? भगवान महावीर अनेक स्थल पर ऐसा उल्लेख करते हैं, जो पूर्व तीर्थंकर पार्श्व ने कहा है मैं वही कहना चाहता हूं। ये व्याख्या प्रज्ञाप्ति नाम का ग्रंथ है, व्याख्या प्रज्ञाप्ति, उसमें उल्लेख किया हुआ है कि भगवान महावीर कहते थे कि जो पूर्व तीर्थंकर पार्श्व ने कहा है वही मैं आगे कह रहा हूं। परंतु त्रिपिटिका जो बुद्ध का ग्रंथ है, वहां उन्होंने कभी पूर्व बुद्धों का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये फर्क है। तो इसीलिए हम तुलनात्मक अभ्यास भी करते हैं और
जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या नया मिल रहा है, क्या हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम तीर्थंकर के 24 तीर्थंकरों का कंसंट्रेशन नहीं करते हुए हम महावीर का क्यों कर रहे हैं, भगवान महावीर का क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि भगवान महावीर से हमें जो कुछ मिला है वो हम, एक किताब है आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताब है, देखिए उसका नाम है महावीर का अर्थशास्त्र, महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र। अर्थशास्त्र हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, स्वास्थ्य शास्त्र। क्यों? कि एमपी के हो, संवाद केंद्र हो, कल्याणम केंद्र हो, हम स्वास्थ्य से रिलेटेड है। हम चाहते हैं जितने व्यक्ति जुड़े हैं वो सब व्यक्ति कैसे हो, अपने प्रति जागरूक हो, अपने लिए वो कुछ करे। तो भगवान महावीर के उपदेश समझने के लिए हमें उस युग को भी समझना पड़ेगा, वर्ण व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा, परंतु इतना डीप में जाने के लिए हमारे पास समय नहीं। इसलिए मैंने कहा कि हम क्या करेंगे कि केवल उनका जन्म कहाँ हुआ, भगवान महावीर कैसे थे, इतना तो डिटेल में नहीं जाएंगे, पर शॉर्ट में समझेंगे। तो उस टाइम भगवान महावीर के टाइम चारों ओर हिंसा थी, असत्य था, अन्याय था, विषमता थी और पोषण था। सब मानवता के नाम पर दानवता का एक नग्न नृत्य चल रहा था। तो ये सब देखते देखते भगवान महावीर सोचते थे और कुछ अपने को नया मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने अपने आप को तपाया। कितना तपाया, देखो कि कैसे भगवान महावीर की जो साधना आप देखेंगे, कितने खड़े रहते थे, कितना ध्यान करते थे। सोए तो समझ लो लगभग थोड़े से है, खाया तो समझ लो बहुत थोड़ा सा है। इसलिए क्योंकि एक ही प्रश्न वो बोलते थे, को अहम, मैं कौन हूं, को अहम, मैं कौन हूं। जब तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा मैं कभी भी बात नहीं करूंगा। कितना भी उसको पूछे, लोग बोलते थे, उनके ऐसे अनेक घटनाएं हुई है कि लोग उनको मारते थे और पूछते थे कौन हो तुम, कौन हो तुम, वहां छोड़ते। वही जानना चाहता हूं कि को अहम, को अहम। तो भगवान महावीर ने जो शुरुआत की, क्या हमें भी नहीं जानना है कि मैं कौन हूं? जानना है कि नहीं जानना है? हम सबको भी तो जानना है, इसीलिए हम प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं, अपने आप को जानना है। भगवान महावीर पे मैं काफी सालों से पहले भी लेक्चर देती थी, तो एक गांव में मेरा लेक्चर था भगवान महावीर पे। तो क्या होता है, रात को लोग बैठते हैं, सब वहां के लोग जो लेक्चर रखे हैं वो सारा संग आता है, गप्पे मारते। तो मैंने, और वो बताते भी है कि हमारे गांव में ये समस्या है ना, थोड़ा सा आप इस बात पे भी थोड़ा उल्लेख कर लेना। तो उस गांव में मुझे ऐसा बताया कि हमारे गांव में क्या है कि बच्चे माँ बाप के साथ रहना ही नहीं चाहते, आजकल सब अलग हो रहे हैं। तो इस बारे में आप कुछ बताओगे क्या, थोड़ा सा भगवान महावीर को लेके कुछ थोड़ा बता दीजिए ना, तो लोगों को थोड़ा जागरूकता आएगी। तो मुझे इतना आश्चर्य लगा, और मैंने तब पढ़ती भी थी और पढ़ा भी था, तब मुझे एक घटना, एक रोचक प्रसंग याद आया। भगवान महावीर जब गर्भ में थे, भगवान महावीर जो अपने माँ के गर्भ में थे, और 6 महीने, 6 मास की अवधि होगी, तो उनको लगा कि मैं, वो अहिंसावादी थे ना पेट में भी, क्योंकि वो पूर्ण जन्म जन्म के संस्कार होते हैं, तो भगवान महावीर अहिंसावादी थे। उनको लगा मैं हलन चलन करता हूँ तो माँ को कितनी तकलीफ होती है, तो क्यों ना मैं कायस्थ करूं, मैं स्थिर हो जाऊं ताकि माँ को तकलीफ ना हो जाए। और भगवान महावीर ने गर्भावस्था में क्या किया, कायस्थ शुरू कर दिया। अब बोलो बच्चों की हलचल नहीं होगी तो माँ को क्या लगता है, कुछ गड़बड़ हो गई, माँ घबरा जाती है, माँ रोने लगी, सबको पुकारने लगी, राजा आ गए, क्या हुआ क्या हुआ, बोले कुछ हो रहा है, बच्चा हिलन चलन नहीं कर रहा है, वैद्य को बुलाओ, ये बुलाओ। तो भगवान महावीर सोचते हैं, अरे मैंने तो बहुत अच्छे के लिए किया था, पर मेरे माँ को कितनी तकलीफ हो रही है, क्या करे। तो वो सोचने लगा, ओ हो। और उसी समय भगवान महावीर ने प्रतिज्ञा कर ली, केवल मेरे हलन चलन ना करने से मेरी माँ अगर इतनी दुखी हो सकती है, तो अगर मैं माँ को छोड़ के जाऊंगा, माँ बाप से अलग हो जाऊंगा और दीक्षा ले लूंगा, तो मेरे माँ बाप को कितना दुख होगा,
उनको दुख लेके मैं क्या पाऊंगा? तो नहीं, जब तक मेरे माँ बाप है तब तक मैं दीक्षा नहीं। देखिए, ये भगवान महावीर का पहला लेसन है हमारे समाज के लिए, दुनिया के लिए। पेट में होते हुए उन्होंने दिया हुआ ये रोचक प्रसंग है। शायद दिगंबर के ग्रंथों में इस घटना का उल्लेख नहीं है, ये श्वेतांबर के ग्रंथों में उसका उल्लेख दिया हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने ग्रह त्याग करने का, दीक्षा करने का एक संकल्प लिया कि जब तक माँ बाप है तब तक मैं ये बात नहीं करूंगा। तो इस प्रकार तीर्थंकर के अनेक रूप होते हैं और अनेक ज्ञान हमें देते हैं, तो उनके भी उत्सव मनाए जाते हैं। तो भगवान महावीर का चैत्र चेत, चेत आया चेत चेतन, चेतना महावीर का जन्म भाया, जन्म मरण मिटाने के लिए। तो जन्म मरण कैसे मिटाने, इसका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे सामने कौन आए? भगवान महावीर आए। समय मुझे भी कम देना है, चलिए एक बात पूछ लेती हूँ। कल प्रश्न पूछा था, याद है प्रश्न? और उस प्रश्न के उत्तर की ओर हम चलते, ताकि मुझे जल्द से जल्द श्रेयांश को माइक हैंड ओवर करना है। क्या प्रश्न पूछा था कल कि जिसका जवाब मुझे आज चाहिए था? कंसंट्रेशन। तो कहानी जानने वाले थे, और कौन जवाब कहानी बताने वाला था? सुचिता जी बताइए कौन? मुझे मालूम है, हाथ ऊपर भी कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। आनंद भाई जी, सुचिता को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। विभाजी कौन कहानी बताने वाला है सुचिता जी? विभाजी विभाजी बताने विभाजी, वाले थे। अमेरिका हाँ से जुड़ी हुई विभाजी बिल्कुल कहानी सही। बताने वाली है। विभाजी, आपको कहानी बताने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट में मैं बता देती हूँ इन दो मिनट शॉर्ट में? में। दैट्स ग्रेट, वाओ। एक बार उनके लिए ओम अरहम करे सब। ओम अरहम, ओम अरहम। अमेरिका में रहते हुए रात का समय है और फिर भी जुड़े हैं, और हर क्वेश्चन का आंसर ये बहुत सुंदर तरीके से देते। तो चलिए कहानी सुनते हैं उनसे, और अगर वो कहानी मेरे लिए नहीं है तो उसका स्वागत है, और अगर मैं जो कहानी बताना चाहती हूँ वही नहीं है तो मैं भी 2 मिनट में वो कहानी बता के फिर माइक हैंड ओवर करूंगी। यस, बोलिए विभाजी। जय जिनेन्द्र सभी को। पर्युषण अर्थ जो 49 दिन तक यानी 7 7 7 दिन तक 7 टाइप की बारिश हुई। यानी बारिश वैसे पानी पर दिखती थी कैसी, जैसे दूध की बारिश हुई, नमक की बारिश हुई, तेल की बारिश हुई, ऐसे सब होते होते इतनी धुआंधार बारिश हुई कि लोग कहीं घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। और फिर 50वें दिन पूरा आसमान साफ हो गया और तब कहीं जाके बारिश रुकी तो उसको संवत्सरी पर्व करके मनाया गया। ठीक है, चल, ये कहानी अलग है, और जो मैं बताने चाह रही हूँ इतिहास में जो कहानी है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो मैं शॉर्ट में 2 3 मिनट में ही बनाने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है 1 2 मिनट इधर उधर हो जाए। आनंद नगर था, एक आनंद नगर था, बहुत सुंदर नगर था ये। और उस नगर में ध्रुवसेन नाम का राजा राज्य करता था। ये राजा बहुत न्यायप्रिय था, ये राजा बहुत अच्छा था, सदाचारी था, प्रजा बहुत खुश थी, सुखी थी। और उसी आनंदपुरी में, जिसे वर्तमान में वडनगर कहते हैं, वर्तमान में वडनगर कहते हैं, वहां आचार्य कालक सूरी जी रहते थे। कालक सूरी जी अपना धर्म ध्यान कर रहे थे। तो अचानक क्या हो गया, तो भगवान महावीर के 980 वर्ष निर्वाण के 980 वर्ष के बाद की ये घटना है। तो उस समय क्या हुआ, अचानक वो ध्रुवसेन का हृदय का कलेजा, एकदम प्रिय बेटा, यंग बेटा, एकदम तरुण बेटा, अचानक डेथ हो गई। अचानक डेथ हो गई, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। ध्रुवसेन राजा को इतना बड़ा शौक बैठा, इतना बड़ा शौक बैठा, और वो इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, सारा राज्य में दुखी छाया। दिन दिन बीतते जा रहे, महीने बीतते जा रहे, राजा दुख से बाहर ही नहीं आ रहा है। बहुत विद्वान आए, राजा को समझाने की कोशिश की, अनेक लोग आ गए, वो बुद्धिवादी लोग आए, आध्यात्मिक लोग आए, सबने प्रयत्न किया, पर राजा उस दुख से बाहर नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या करे। उसी समय ये समाचार आचार्य कालक सूरी महाराज के पास पहुंचा, और उन्होंने सोचा मुझे अब कुछ करना चाहिए, मुझे अब कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा, शास्त्र होता है,
शास्त्र होता है वो हर दर्द की दवा होता है। शास्त्र का ज्ञान मिलने से दुख कम होता है। शास्त्र के ज्ञान से अनेक समस्याओं का समाधान मिलता है। तो क्यों ना मैं राजा को थोड़ा शास्त्र सुनाऊं। और उस समय कल्पसूत्र पढ़ते थे, परंतु वो केवल साधु संत पढ़ते थे। कल्पसूत्र केवल साधु संत कहते थे, वो भी मतलब चातुर्मास के 50वें दिन में रात को, केवल साधु संत, श्रावकों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उस समय उन्होंने सोचा इसमें बहुत ऐसे बातें हैं कि जो राजा को बताना बहुत जरूरी है, और उसने राजा को बुलाया कि आपको सेवा में आना है, अभी आचार्यों का संदेश है। तो राजा धर्मसिंह सेवा में गए और सेवा करने लगे, तो जैसे जैसे वो उस शास्त्र का वाचन करने लगे, उसके तत्व बताने लगे, और जब जीवन की सच्चाई ध्रुव सेन के सामने आती रही, दिन ब दिन राजा का दुख कम होते गया और राजा दुख से बाहर आ गया। तो शॉर्ट में इतना है कि उस समय से सोचा जा रहा है कि ये समत्थरी पर्व लास्ट दिन, ये परेशान में 8 दिन राजा को उन्होंने सुनाया, 8 दिन राजा को उन्होंने वो शास्त्र पढ़ाया और राजा उससे बाहर आ गया। तब से सोचा कि एक पर्युषण का पर्व ऐसा कि हर आदमी तनावों से घिरा हुआ है, हर आदमी की प्रॉब्लम्स है, हर आदमी के पास समस्याएं हैं, साल भर वो लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, उसके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हर इंसान के लिए जरूरी है कि अपने लिए कोई समय दे, अपना चिंतन करे, आत्मा के पास बैठे, थोड़ा तो कुछ करे। और ऐसा सोचते सोचते ये पर्युषण पर्व का जो आयोजन किया जाता है, ये बहुत सुंदर बात है। आज ही मैंने एक वीडियो सुबह देखा, बहुत सुंदर बात बताई गई थी कि वो किसका नाम भी मैंने इतना पढ़ा नहीं, परंतु बहुत सुंदर उन्होंने कहा था कि ये पवित्र दिन, 8 दिन ये पवित्र दिन होते हैं, इसमें आध्यात्मिक संवाद करना चाहिए, साथ में बैठ के धर्म चर्चा करनी चाहिए, आपस में बात करते करते हम ऊर्ध्वगामी कैसे हो, हमारी चेतना कैसी जागृत हो इस बारे में। और इसमें एक ज्योतिष शास्त्र की भी एक दृष्टि है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि भाद्रपद महीना होता है ये सबसे अशुभ महीना होता है। भाद्रपद महीना होता है वो सबसे अशुभ महीना होता है, और हर धर्म में, हर शास्त्रों में भाद्रपद महीने में अधिक से अधिक धर्म करना है, कर्म से मुक्ति पाने के लिए अच्छे अच्छे वाचन करना है। तो इसीलिए ज्योतिष विद्या भी बोलती है कि ये भाद्रपद महीने में, इसीलिए इस भाद्रपद महीने में इस 8 दिन का सिलेक्शन किया गया है। और ये शास्त्रों का श्रवण करने से हम ये पर्व के बारे में और जानेंगे। और सबसे बड़ी बात भगवान महावीर की है, ये स्वास्थ्य शास्त्र के लिए है, स्वास्थ्य शास्त्र के लिए है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। कोई व्यक्ति भला ऐसे कह सकता है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा? महात्मा गांधी ने ऐसा कहा। जब उन्होंने कहा तो कुछ तथ्य तो होगा, तो उनको पूछा आप बीमार कैसे नहीं पड़ेंगे, क्यों नहीं पड़ेंगे? तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं वीतराग की साधना करता हूं, मैं राग द्वेष से मुक्त रहता हूं। तो हमें भी क्या करना है, वीतराग की साधना करनी, हमें भी जानना है। और वीतराग क्यों जानना जरूरी है ये मैं बताती हूँ, कि आपको स्वस्थ रहना है, रहना है ना स्वस्थ, सबको स्वस्थ रहना है कि नहीं रहना है? यस। तो स्वस्थ रहना है तो प्राण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आयुर्वेद में बीमारी का एक कारण कर्म भी बताया हुआ है। कर्म शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो कुछ बीमारी होती है जिसको अंदर ही खोजा जाता है, अपने संस्कारों में उसके बीज होते हैं। जब वे प्राण के माध्यम से स्थूल शरीर में आते हैं तो प्राणिक बीमारी हो जाती है। तो एक व्यक्ति समझ लो उसको कोष्ठबद्धता है, बहुत कोष्ठबद्धता अनेक लोगों की समस्या होती है। मैंने कई लोगों को देखा है कि कोष्ठबद्धता होती है कि नहीं, कई लोगों की ये समस्या। अब कोष्ठबद्धता की बीमारी होती है, वो इतना परेशान होता है, सब डॉक्टर के पास जाता है, नेचुरोपैथी के डॉक्टर के पास जाता है, आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाता है, रेगुलर डॉक्टर के पास जाता है, सबके पास दवाई लेता है, फिर भी विरेचन होता ही नहीं, फिर भी विरेचन होता ही नहीं। ऐसा क्यों? इसका कारण अपान नाम का प्राण, अपान नाम का प्राण ठीक नहीं होता है। और जिसका अपान विकृत होता है, हजारों दवाइयां लो, उत्सर्जन नहीं होगा।
तो ये सब हमें जानना है कि हम गुदा से लेके नाभि स्थान पर जो अपान का प्राण का स्थान है, हमने एक बार पांच प्राण का पूरा अभ्यास किया हुआ है, तो हमें इसको जानना है। तो इस प्रकार ये भी जानना है कि भगवान महावीर कोई पोषण के आहार नहीं लेते थे, इतने विटामिन लेना ये नहीं लेता, फिर वो स्वस्थ कैसे रहे, तो ये जानना है। और स्वस्थ कैसे रहना है ये मानना है राजू भाई, तो महावीर की साधना है वो सब जन जन के लिए। कल में मैंने बताया कि ये जैनी जीवन शैली बनते बनते बन जाएंगी ये जन जन की जीवन शैली, तो जैन धर्म किसी व्यक्ति का नहीं है, सबके लिए है, सब सांप्रदाय का है, तो सभी इसको जाने, सभी पहचाने और इसी में आगे बढ़े। ये बहुत व्यापक धर्म धर्म है, न जाति न वर्ण किसी में भी अटका हुआ नहीं है। भगवान महावीर खुद क्षत्रिय थे, इंद्रभूति थे, गणधर थे वो सारे ब्राह्मण थे, शालीभद्र धन्ना थे वो अनगार वैश्य थे, और प्रमुख श्रावक उनका आनंद था वो किसान था, आनंद था वो किसान था, और तपस्वी हरि केशव बल चंडाल कुल में पैदा हुआ था। तो भगवान महावीर के देखो आप सब कितने लोग कहते हैं। तो चलिए अब मैं घड़ी की ओर देख रही हूँ, समय आ गया है 7 बजे, मुझे श्रेयांश को देना है, डॉक्टर श्रेयांश आज जुड़े हैं, वो कल हमारे साथ जो रूपाली जुड़ी थी उनके हस्बैंड है। सबसे बड़ी बात यह होती है पति पत्नी साथ काम करते हैं, वो काम बहुत सुंदर होता है, बहुत बड़ा होता है, पूरा परिवार ही एकदम खुश, ये दोनों भी समर्पित कार्य करता है, बहुत अच्छे। कल हमने देखा कि रूपा ने कितना ज्ञान लिया है, कितना क्या लिया, और इन्होंने पीएचडी की है, डायबिटीज में पीएचडी की है, डायबिटीज में इन्होंने पीएचडी की है, और ये प्रोफेसर काम कर रहे हैं, और ऐसे प्रोफेसर होने के बावजूद भी जैन धर्म के प्रति बहुत जागरूक है, और ये इसके विषय में इनकी बहुत मतलब मास्टर के कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बहुत स्टडी करते हैं, उस पर पेपर लिखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति है जो हमें कुछ ज्ञान दे सकते हैं। पर हम भी बड़े भाग्यवान हैं कि आनंद भाई जी ने चलाए इस सुंदर से अभियान में, हम लोगों को कितने अच्छे व्यक्ति जुड़ रहे हैं, तो नाम भी श्रेयांश, श्रेय कितना श्रेय, श्रेयांश सर्वश्रेष्ठ श्रेय कहते हैं, और श्रेयांश का एक बार हम सब स्वागत करते हैं, एक बार सभी हाथ ओम जोड़ सुस्वागत। अरहम ओम अरहम एमपी के ओम केंद्र, कल्याणम योग केंद्र और संवाद केंद्र, तीन केंद्र त्रिवेणी संगम से आपका सहर्ष स्वागत है, और आपके ओर में माइक हैंड वर्क करती हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। अरहम धन्यवाद धन्यवाद। जी सर्वप्रथम जय जिनेंद्र सभी को। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, ओके, तो सभी को प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। और जैसे कि अभी मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कल्याणम योग केंद्र और एमपी के फिटनेस योगा केंद्र और संवाद, इन तीनों ने मिलके मुझे ये संधि उपलब्ध कर दी कि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस, मेरे अनुभव कुछ आपके साथ शेयर करूं। तो एक दो दिन पहले ही अलका जी का फोन आया था और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कहना है, तो मैंने सोचा कि क्या स्वाध्याय की हिसाब से लेना है। एक मिनट में डिस्टर्ब करती हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि रूपा जी और श्रेयांश को मैंने एक ही दिन पहले फोन किया और फिर भी वो एकदम तुरंत तैयार हो गए, इनका नॉलेज भी, और आज का विषय हमारा स्वाध्याय है। स्वाध्याय तो किसी भी प्रकार का कर सकते हैं, तो किस प्रकार का स्वाध्याय करना है वो अपने वक्त पर होता है, तो आज श्रेयांश जी एक विशेष प्रकार के स्वाध्याय की बात हमको शेयर करने वाले। यस सॉरी। जी जी तो अभी रिसेंटली ही मैंने कुछ शुरू किया है उसका। तो मेरा आज का विषय है मेरी भावना पे। मेरी भावना एक हमारे जैन ग्रंथों में से एक सिंपल सी कविता है। तो मैं समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम लोग टॉपिक शुरू कर देते हैं मेरी भावना के बारे में। अब हम इसको किस तरह से स्वाध्याय करेंगे इसका, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो इसका संक्षिप्त ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक गांव होता है सरसावा, छोटा सा गांव है सरसावा। वहां से एक व्यक्तित्व जन्म लेता है, उनका नाम है पंडित जुगल किशोर जी जैन। वो अपना करियर पत्रकारिता के रूप से शुरू करते हैं और उन्होंने उनके कार्यकाल में
वो फिर उनको मुख्तार की पदवी मिलती है, तो उनको मुख्तार भी कहा जाता है। और मुख्तार के रूप में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ की निर्माण भी किया है। तो उनमें से एक है, 1916 में उन्होंने एक कविता बनाई थी, उसी का नाम है मेरी भावना। हेलो, जी हाँ, मैं ये स्क्रीन पे शेयर रखता हूँ तो सबको दिखाई देगा और मैं उसके ऊपर बातें करूंगा। सभी को दिख रहा है मेरी भावना? जी हाँ, अभी दिख रहा है। ओके ओके, ऑल गुड। अभी शुरू करते हैं। तो ये मेरी भावना है, इसे उन्होंने कहा है कि आप रोज इसका पठन करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। अब ये हो गई मेरी भावना की बात। अभी हम जानते हैं, और मेरा सभी से एक अनुरोध है, जिन्होंने अपने कैमरा ऑन नहीं किए वो प्लीज कृपया ऑन करें, तो आप मुझे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अभी इसमें जो पंक्तियां दी गई है, उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत ही सोच समझकर विचार कर इसको बनाया है। अभी मेरी भावना के बारे में और बताऊं तो, अभी ये पंडित जुगल किशोर जी ने जब बनाई थी 1916 में, उसके बाद उसमें उसको जैन ग्रंथों में, सभी ग्रंथों में इंक्लूड किया गया, और जैन संप्रदाय के लोग, जैन धर्म के लोग उसे रोज पठन करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। और तो और अभी उनका चरित्र जब मैंने पढ़ा अभी, तो ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जैन उसका वेबसाइट का एड्रेस भी है, जैन सर्व डॉट वर्ड प्रेस डॉट कॉम, या पंडित जुगल किशोर आप सर्च। लिंक भेज देना बाद में, ये हाँ, सब मैं लिंक आप लिंक शेयर कर भेज दूंगा। देना। तो अभी ये कुछ स्कूल्स में, कई जगह पे स्कूल्स के एनसीईआरटी के सिलेबस में इंक्लूड की गई है। मध्य प्रदेश के हिंदी के बुक में इसका ये कविता स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, और कहीं अस्पतालों, सामाजिक संस्थाओं, इवन जेलों में भी इसका रोज पठन किया जाता है काफी जगह पे। तो ये बनाई है, लेकिन है ये जैन धर्म का एक फल है, बट इसका फायदा सभी को होता है। अब हम दूसरी ओर आते हैं, थोड़ा साइंटिफिकली सोचते हैं, या कुछ जो पाश्चात्य लोग हैं, तो कुछ पाश्चात्य जिनको हम काउंसलर्स बोलते हैं, तो उन्होंने एक स्टडी करके लोगों का आचार विचार कैसा है और वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं, और उन्होंने अपने निजी जीवन में, अपने खुद के जीवन में, खुद के किस तरह से उन्होंने बैलेंस रखा, तो उस आधारित एक टेक्निक बोल सकते हैं, या एक कला बोल सकते हैं, या एक स्किल, उसको बोलते हैं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हमारा पास जो बहिर्मन होता है, जो कॉन्शियस माइंड इसको बोलते हैं, और एक दूसरा अंतर्मन होता है। अंतर्मन को हम सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, सब नॉन कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो उसके अलग अलग पहलू या अलग अलग लेयर्स होते हैं। और व्हाट इज द मीन, सबकॉन्शियस माइंड में हम करते क्या है? सबकॉन्शियस माइंड ये हमारा जिन है, जैसे वो नहीं घिसते हैं तो उसमें से जिन बाहर आता है, और वो बोलता है कि आपकी क्या इच्छा है बोलो। तो इस तरह से ये अंतर्मन या सबकॉन्शियस माइंड, हमारा माइंड जो होता है वो ये जिन की तरह, उसको जैसे ही कमांड जाती है वो अपना काम कर देता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर सब कमांड देते तो सब आज सक्सेसफुल रहते, सभी के पास सब कुछ होता, बट वो पॉसिबल करने के लिए बहुत सारा एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं, तब जाके होता है। तो अभी इससे हम जानेंगे कि हम पहले देखेंगे कि मेरी भावना में पंडित जुगल किशोर जी क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने किस तरह से शुरुआत को लेकर पहले स्वयं पे उन्होंने कार्य किया इसमें, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम किसको फॉलो करें, किसको हम आदर्श माने, फिर उन्होंने कहा है कि हम किस तरह से आजूबाजू समाज में, सोसाइटी में किस तरह से हमको व्यवहार चलन करना चाहिए और क्या हमको अपनाना चाहिए। और उसमें उन्होंने बहुत सारे, दो तीन अगले स्टैंजास में
पार्ट पार्ट में उन्होंने ये सब हमको बताया है, और अंत में वो लोग, अंत में वो मतलब समाज से उठकर राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, एक राजा, एक प्रजा और राष्ट्र किस तरह से अच्छे से हो सकता है, और वहां पे हमको किस तरह का विचार आचार रखना चाहिए, यहां तक उन्होंने कहा है। मतलब शॉर्ट में मेरी भावना का मूल अगर इसका जो कहे तो ये हमको राष्ट्र, अच्छे राष्ट्र के निर्माण तक ले जाता है, बल्कि ना आप खुद खुद को तो कर ही रहे हो, खुद का आप विकास तो कर ही रहे हो, साथ में आपका जैसे ही विकास होगा आप और लोगों का करना चाहोगे, और बाद में वो समाज का होगा और बाद में वो राष्ट्र का होगा और एक राष्ट्र निर्माण होगा। और आज हम देख रहे हैं कि G20 का भारत में होना, वो सारे प्रोग्राम्स भारत में होना और भारत के वो जिम्मेदारी देना, ये अपने आप में एक दिखलाता है कि हम लोग कहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो इसी को और ऊपर तक ले जाने के लिए हम लोग देखते हैं, तो जैसे में लिखा है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग निष्प्रो हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जीन हरि हर ब्रह्मा या उसके स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। आपके मैं बताऊं, अब कुछ ही दिन पहले से, एक लगभग 1 महीना हो गया होगा, मैं इसको रोज पठन कर रहा हूं और उसके ऊपर चिंतन कर रहा हूं, कहीं कहीं मैं उसको विचार विमर्श भी कर रहा हूँ, और उसके मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक मैं छोटा सा लिखूं कुछ। तो ये कहते हैं पहले चरण में ऐसा कहा गया है कि वो व्यक्ति है जिसने राग द्वेष काम, जो भी काम है, जो भी चार अंग है, उनके ऊपर उन्होंने जीत लिया है, उनको जीत लिया है, वो उनके ऊपर हावी नहीं होते, उनके इन्फ्लुएंस से ये काम नहीं करते, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह, मतलब कोई भी बेनिफिट बगैर वो समाज उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, मतलब वो बुद्ध हो सकते हैं, वीर महावीर हो सकते हैं, जीन हो सकते हैं, हरि हो सकते हैं, हर हो सकते हैं, ब्रह्मा हो सकते हैं, मतलब जितने भी धर्म संप्रदाय है जिन्होंने ये इस तरह का संदेश दिया, ये सबने यही किया है। तो ये सबको इंक्लूड करके है, और भक्ति भाव से पूरित हो चित्त उसी में लीन रहे, मतलब इन शॉर्ट अगर हम आजू बाजू में आज की तारीख में देखेंगे, इसका दूसरे पंक्ति में भी वही दिया, विषयों की आशा नहीं जिनमें साम्य भाव का धन रखते हैं, सबके साथ समान व्यवहार रहेगा, निच पर दिन हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते, हर वक्त वो दूसरों की कैसा अच्छा हो, मैं दूसरों के लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूं, इसी तरह से ही सोचते हैं, मैं क्या करूं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, मतलब स्वार्थ को त्याग करना ये आज की तारीख में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह करते हैं। और आप देख लीजिए आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि यार इसको कोई स्वार्थ नहीं है, बट ये मेरे लिए काम कर रहा है, ऐसे काफी लोग हैं, मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, आपके सानिध्य में भी कुछ लोग होंगे, तो इनमें से जो बहुत ही सक्सेसफुल है, आज एक ऊंचे मकान पर पहुंचे हैं, उनके आप चरित्र को पालन कीजिए, देख लीजिए ये वो भी आपके लिए बुद्ध महावीर हरि ब्रह्मा विष्णु जो भी है बन सकते हैं। तो ये दो कड़वों में, ये दो पंक्तियों में उनका ये कहना है, सदा रहे सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसे चर्या यह सदा चित्त सदा अनुरक्त रहे, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धर वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं, मैं दूसरों की लोग बीवी हो या किसी का हस्बैंड हो, दूसरों की धन संपत्ति है, दूसरों का मतलब इन शॉर्ट में कोई भी प्रकार की ईर्ष्या ना धरूं, कोई भी प्रकार का मोह ना धरूं, कोई भी प्रकार का मुझ में क्षोभ ना आवे, या जिसको हम प्राइड या ईगो भी बोलते हैं, वो आगे भी आ रहा है, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरी के बढ़ती को ईर्ष्या भाव ना धरूं, मतलब मैं तेरा है वो मेरा ही होना चाहिए, वो भावना तो छोड़ दो, वो उससे कोई मतलब नहीं, आपके पास क्या है उसका हम विकास करने की कोशिश करते हैं। अब
किसी का अच्छा चल रहा है, उसके पास अच्छी कार है, उसके पास अच्छा घर है, काफी सारे पैसे हैं, तो मुझे अहंकार आना नहीं चाहिए, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, मुझे ईर्ष्या भाव नहीं आना चाहिए। जिस दिन आपके मन में ये विचार आएंगे, समझ लेना कि आप कहीं पे कम पड़ रहे हो। अगर ये भाव नहीं आएंगे तो आप उतने ही चरित्रवान, उतने ही सक्सेसफुल हो जितना सामने वाला व्यक्ति है या आपके आजू बाजू वाले व्यक्ति है, लोग हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सरल सत्य का व्यवहार करूं, तो जो भी रियली है, शाश्वत है, उसी से हम व्यवहार करेंगे और उसी से चलेंगे। मैत्री भाव में जगत कर, आगे कह रहे कि सबके साथ आप मित्रता का व्यवहार रखिए। अगर कोई दुर्जन भी है तो उसकी आलोचना करना जरूरी नहीं है, दीन दुखी है तो उनके बारे में हमारे पास करुणा भाव होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, हम उसके लिए हम एम्पैथिक होना चाहिए, मतलब वो समझ सकना चाहिए कि यार ये ऐसी स्थिति में आदमी है। अगर हम देख रहे कि रास्ते से जा रहे, कुछ लोगों के पास रहने खाने की जगह नहीं है, वो रोड पे ही सब कर सकते करते हैं, तो उनके बारे में हमारे पास करुणा भाव होना चाहिए, यार अगर ये कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो इनके पास भी हमारे जैसी सुविधा उपलब्ध होगी, कुछ कमी है, गुणी जनों को देख। तो इस तरह से हमको सबके साथ साम्य भाव रखना है। अगर कोई बुरा काम करके पैसे कमा रहा है तो हम उसको बोलते हैं, या कभी कुछ होता है, हम तो एक बस तिनका भर जानते हैं, लेकिन उस आदमी ने कुछ फेज में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारी कारण मीमांसा हम नहीं समझते और हमारा ओपिनियन दे देते हैं। तो जो दुर्जन है, क्रूर मार्ग भी अपनाते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ तो होगी, तभी उन्होंने उस तरह का स्टेप लिया होगा। तो उनको भी देखकर हमको क्षोभ नहीं आना चाहिए, उनकी निंदा नलस्ती नहीं करनी चाहिए, उनको भी हमको साम्य भाव रख के एम्पैथी के लिए लेना चाहिए कि क्या ये उन्होंने क्यों किया। जरूरी नहीं कि हम उसको फॉलो करें, लेकिन उनको रोक तो सकते हैं, तो लेकिन रोकने के लिए आपको उनको साम्य भाव में ही रखना पड़ेगा। अब एनएलपी पे आते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि एनएलपी क्या है। अब गुणी जनों को देखकर, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा एक एनएलपी के बारे में बताता हूँ। अब ये तो हो गया कि हमको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, हमारे मन के विचारों को हम किस तरह से अच्छे तरीके से रख सके। अब न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये तो एक शरीर है, बन गया, जब हमारा जन्म हुआ तो बन गया, उसके बाद हम उन्हें देखा, सुना, समझा, कहीं जगह महसूस किया, बचपन में लोग आते थे, हमको गोदी में लेते थे, टच करते थे, प्यार करते थे, किस करते थे, उससे हमारी एक हमारे शरीर ने अनुभव किया, हमारे ब्रेन ने अनुभव किया, और उसकी एक उन्होंने इमेज बनाई, और वो इमेज हमारे मस्तिष्क में रहती है, हमारे स्मृति में रहती है, और उसी का आधार लेके जब हम नेक्स्ट टाइम उसी तरह का अनुभव करते हैं, तो वो पुराना रेफरेंस लेके हम उसको व्यवहार करते हैं, उसको रिएक्शन देंगे या रिफ्लेक्स देंगे, जो भी है। तो ज्यादातर समय ऐसा होता है। अगर कहीं पे अच्छी अनुभव है तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे, अगर बुरे अनुभव है तो उसमें मन दुखी हो जाएगा, आप रोओगे या कुछ भी करोगे। तो ये दो विपरीत घटनाओं में क्या होता है, अगर अच्छे अनुभव है तो आपके जो केमिकल प्रोसेसेस है उसमें अच्छे केमिकल सीक्रेट होंगे, जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, और आप पुरानी सोच में रहोगे, दुखी होगे रहोगे, जैसे हिंदी फिल्मों में जैसे वो हीरोइन होती है, वो सभी तरह से दुखी होती है और वो रोने रहती है, उस तरह से रहोगे तो क्या होगा, तो आपके निगेटिव हार्मोन सीक्रेट होंगे और आपको बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, हमारे मन को टटोल कर उसको जाने, वो एक अवेयरनेस पैदा करे कि मेरे में कितने बुरे विचार है, क्या मैं अभी भी पास्ट में जी रहा हूं, क्या मैं अभी भी उसी विचारधारा में हूं। तो उसको त्यागना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो पार्ट हमारे मस्तिष्क के, मतलब मन से
या सबकॉन्शियस लेवल पे जो रहा है वो अनुभव हम निकाल बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक हम नया ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ यहाँ से आगे ये शुरू होता है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। आप किसी को भी तरफ देख रहे हैं, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह मेरे न उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि दोषों पर ना जावे। हमारा माइंड बहुत ही चालाक रहता है, आपको समझ में नहीं आता, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा जो मंतर मन है उसको सब पता चलता है। वो सबसे पहले दृष्टि कहाँ जाती है, हमारी बहिर्मन से, बहिर्मन से हमारी दृष्टि सबसे पहले कहाँ जाती है, उसने ऐसा किया मेरे साथ, मुझे ऐसा क्यों कहा, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारी पहली दृष्टि दोषों पर जाती है ना कि गुणों पर जाती है। यहां उन्होंने कहा है कि गुणों जनों को देखकर मेरे मन में प्रेम आना चाहिए। अगर आप एक लीनता की भावना मन में लाते हो, गुणी जनों के बाद आदर की भावना लाते हो, तो आप उनके गुणों को स्वीकार कर रहे हो, वो आपके अंतर्मन तक जाएंगी और उनको हम स्वीकार करेंगे। वो जैसे ही स्वीकार करेंगे वो हमारे विचारों में आ जाएगा, वो विचारों में आ जाएगा तो धीरे धीरे वो हमारे कृतियों में आ जाएगा, और कृतियों में आ जाने से फिर हमारी भी विचारधारा और व्यवहार चलन उन्हीं के जैसा हो जाएगा। बने जहां तक उनकी सेवा करूं मन सुख पाए होगा, कृतज्ञ नहीं हूं जिनसे मुझसे मुझे फायदा हुआ है, जिनसे जिन गुरुजनों से मैंने आज सीखा है, तो उनके मुझे कृतज्ञ नहीं होना है, उनको मुझे ग्रेटिट्यूड की भावना से देखना है, कृतज्ञता की भावना से देखना है। अगर एक छोटा व्यक्ति भी है और उसने मेरा काम किया तो उसके प्रति भी हमारे पास कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, और गुण ग्रहण करना है ना कि दोष। क्योंकि हम जब ऑब्जर्व करते हैं किसी के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं तो ये गुण अननोइंगली हमारे अंतर्मन तक पहुंच सकते हैं, और जैसे ही अंतर्मन तक पहुंचेंगे ये आपके कृति में धीरे धीरे आना शुरू होगा, आपका चरित्र भी उन्हीं के तरह बनेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको ब्लेंड करना चाहता हूँ कि हम सिर्फ ये स्वाध्याय कर रहे हैं, मतलब स्वाध्याय कर रहे क्यों कर रहे, उसका पर्पज क्या है और उसका आउटकम क्या है। तो इस तरह से हम इसको सोचेंगे तो हमको पता चलेगा कि मुझे ये टाइप के स्किल्स डेवलप करने हैं। अगर कोई आदमी मेरे सानिध्य में आता है, मैं उसके साथ व्यवहार करता हूँ, हाँ, तो उसमें मुझे दोष नहीं देखने, मुझे क्या देखना है उनमें कि उसके क्या खास गुण है, वो ऐसा क्या करता है कि उसकी वजह से ये उसका ये बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। कुछ लोगों को दूसरों को समझाने की ताकत बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों को दूसरों की सेवा करने की ताकत बहुत होती है, कुछ लोगों को कर्मणुक करने की ताकत होती है। हर एक के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है, हर एक व्यक्ति, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो हमको सिर्फ गुणों पे देना है, क्योंकि हम बोलते हैं वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज रिजल्ट फॉलोज। आप जिस बारे में सोचोगे आपकी एनर्जी उसी डायरेक्शन में जाएगी और उसी तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोचिए, और ये अंतर्मन ही कर रहा है, आप ही का कर रहा है, दूसरा किसी का नहीं कर रहा है, दूसरा कोई भी आपके बारे में कुछ भी भला या बुरा नहीं कर रहा है, आप खुद है आपके बारे में भला या बुरा कर रहे हो। तो आप जैसा सोचोगे, आपको चाहिए मुझे अच्छे विचार चाहिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे। तो ये कहा है, और इस तरह से हम अगर इसको अंतर मन के हिसाब से देखेंगे, वो अवेयरनेस से देखेंगे कि तो समझ लेना कि मुझे क्या करना है, ये करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट आएगा, हमको समझ में आएगा। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आए या जावे, लाखों वर्ष तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद डिगने पाए। मतलब यहाँ पे ये कहते हैं कि ये आगे का भी है, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराए, पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी में नहीं भय खाए, रहे अडोल अकंप निरंतर यह मन धृतड़ बन जाए, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाहे। यहाँ पे पंडित जुगल किशोर जी ये कहना चाहे
चाह रहे हैं कि हमको किस तरह से कोई भी परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ रहना है, निर्विकार रहना है। मेरे ऊपर कोई भी अच्छी चीज है या बुरी चीज है, बुरा अनुभव है या अच्छा अनुभव है, मुझे आज मृत्यु आना है कि 10 साल 50 साल बाद आना है, कोई भय नहीं। यहाँ लाखों वर्ष तक का किया है, क्योंकि पुराणों में जो हम जानते हैं कुछ तीर्थंकरों को, उनकी आयु लाखों वर्षों की थी, तो वो रेफरेंस से उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। बट आज के युग में ये फॉसिबल नहीं है। 100 साल कहीं जगह पे 120 तक भी कुछ लोग जिए हुए हैं, तो वहां तक का हम सोच सकते हैं। और तो कोई भी स्थिति में हमको अडोल रहना है और सत्य प्रज्ञ रहना है, इसके बारे में कहा गया है। और अगर हम ये रोज पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमें विचलित नहीं होना है, हमें अपने अच्छे विचारों पे ही फोकस करना है। और इसके बाद उन्होंने गए हैं, ये अब राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं लास्ट में, इष्ट वियोग अनिष्ट, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई ना घबराए, पाप अभिमान छोड़ो, आप आपका ईगो छोड़ दीजिए, नित में मंगल मतलब अच्छे लोगों के अच्छाई के बारे में सोचो, ज्ञान चरित्र, हमारा ज्ञान और चरित्र इसकी बढ़ाई करके हमको जो मनुष्य धर्म जन्म मिला है, इसका हम पूरी तरह से यूटिलाइज करके, जो मनुष्य जन्म मिला है उसका हम पूरी तरह से उसको जस्टिफाई करें। इति किसी को मैं डराऊं नहीं, कहीं पे अतिवृष्टि ना हो, कहीं पे राजा भी है तो वो धर्मनिष्ठ होकर अपने प्रजा के लिए अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए और वो उनकी ग्रोथ के लिए ही काम करे। रोग मरी दुर्भिक्ष, मतलब रोग और दुर्भिक्ष ये मतलब ऐसे व्यवहार ना हो, पूजा प्रजा शांति से जिया करे, परम हिंसा धर्म जगत में फैल हित किया करे, प्रेम सबके आपस आपस में प्रेम का भाव रहे, किसी को हम अप्रिय कटु शब्द ना कहे, जानबूझकर भी ना कहे, भी अनजाने भी ना कहे, ऐसे जब हम व्यवहार रखेंगे ये सभी, तो हम युगवीर बन पाएंगे। और पंडित जुगल किशोर जो की भी युगवीर कहा जाता है, क्योंकि ये अगर उन्होंने लिखा है तो उन्होंने इसका आचरण जरूर किया होगा, तभी तो उनको युगवीर नाम से भी जाना जाता है। और हृदय में देशोन्नति के बारे में ही सोचे, अगर मैं 10 लोगों के लिए अच्छा कार्य करता हूँ, उन लोगों के लाइफ में जिंदगी में कुछ ना कुछ आचरण से के थ्रू मुझसे कुछ सीख सकते हैं और वो अपने व्यवहार में लाते हैं और उनकी उसमें से प्रगति उन्नति होती है, तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि मैं कुछ लोगों के काम आया। ऐसी भावना के साथ ये अगर हम पढ़ेंगे तो लगे हर एक को लगेगा कि यार ये तो मेरी भावना है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, मतलब कुछ भी विचार आते हो तो उसको वस्तु स्वरूप बना के, मतलब दुख संकट भी आते हैं उसमें भी आपको निर्विकार होना है, स्थित प्रज्ञ रहना है और पेशेंस रखना है। तो अगर ये हम रोज इसका पठन करेंगे तो हम एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। तो यही कहा है। अब इसका मतलब ये आप पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आप आपके अंतर मन को इस तरह से टोन कर रहे हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ रहूं, ईर्ष्या भाव ना रखूं, मैं किसी के बारे में जेलस ना रहूं, मैं किसी को क्रोध ना करूं, मैं किसी को अप्रिय कटु शब्द ना कहूं, सबसे प्रेम से व्यवहार करूं, ये हम रोज अपने आप को कहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके व्यवहार में आएगा। ओम और उससे अरहम, आप ओम अरम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने व्याख्या की इस कविता के बारे में। बहुत ही शानदार शब्दों के चयन करते हुए कविता लिखी गई है। तो अभी समय हमारा ऑलरेडी संपन्न हो चुका है, फिर भी हम 1-2 मिनट लेना चाहेंगे। आज स्वाध्याय दिवस है और स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी पढ़ना ही नहीं होता है, किताब पढ़ना ही स्वाध्याय नहीं होता है। स्वाध्याय बहुत तरह के होते हैं, प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है और धार्मिक ग्रंथों का पढ़ना भी स्वाध्याय है। तो आज के दिन हम ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय में रहें, स्वाध्याय अपने आप में रहें और इसी भावना के साथ आप
कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके इन्विटेशन दे चुका हूँ सबको, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। सुशील कुमार जी, सुचेता जी, सरिता जी, अनम्यूट सबको दिए हुए। यस, सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं पहले? सुशील जी बोलिए। जय जिनेंद्र। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गीता के बारे में कहा था कि गीता एक डेली पढ़ने की तो है, लेकिन इसका अभ्यास होना जरूरी है। तो श्रेयस जी, आपने जो आज ये कविता का जो विवरण बताया है, और ये कालजयी कविता है, ये डेली पढ़ने की तो है ही, लेकिन इस एक एक पद का जब अभ्यास करेंगे, तब हम कसाई मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे और अपना जो गोल है उसको पा सकेंगे। रियल में ये कविता देने के लिए, ये कविता यहाँ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओम आज सुनने आराम। वाला नहीं था, भवन धन्यवाद जाने वाला था, धन्यवाद। लेकिन बारिश के कारण मैं जुड़ गया, और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और इस कविता को आप जरूर इसमें डाल दीजिए, इसमें, इसका ताकि हम लोग। वीडियो जो है, वीडियो शेयर करेंगे हम। वीडियो आज था एक्चुअल में, ऑडियो सुनना था, हमें सुन नहीं पाए। हमें ऑडियो में लेके इसकी लिंक शेयर करूंगा। और हम ये प्रॉमिस भी करते हैं कि एक बार हम मेरी भावना पे पूरी 1 घंटे की क्लास अलग भी रखेंगे, ताकि हम ये बहुत व्यवस्थित अच्छी जान रखी है, सके। इसमें सब विषयों को जोड़ दिया है, जितने भी विषय है सबको जोड़ दिया इस कविता में। यस, दैट्स ग्रेट। गुरु हाँ, किशोर जी के प्रति भी आभार। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? शायद अशोक जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। समय हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है, अभी सबको अभी भवन जाना है। अशोक जी बोलिए। सुसाहित्य ही अपना सच्चा मित्र बनना चाहिए, बस यही कहना था। सुसाहित्य को ही अपना सच्चा मित्र बनाना चाहिए। और साहित्य से ही साधना होती है और वही स्वाध्याय होता है। हाँ, सुचेता जी। जय जिनेंद्र, सही जय में बहुत सुंदर बताया आज श्रेयस भैया ने। मेरी भावना में रोज पढ़ती हूँ। मेरे नातिन भी जो 9 साल की, उसको भी वो भी पढ़ती है, सबको आती है। हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, जैसे राष्ट्रगीत होता है वैसे पहले मेरी भावना लेते थे, बाद में राष्ट्रगीत होता था। बचपन जी से बहुत, और एक जो स्वार्थ और परमार्थ दोनों दिया इसमें, हर जी सांप्रदाय के लिए और हर कास्ट समाज के लिए बहुत अच्छी है, प्रेरणादायी है, बहुत अच्छी लगती है, मैं पढ़ती हूँ। चलिए, और किसी को भी कुछ कहना हो तो 1 या 2 मिनट हम, आप अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। अशोक जी बोलिए। अशोक जी बंद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। शुभकामनाएं। जी आज क्लास बहुत ही बढ़िया हुआ, और हमें ये सब आचरण में लाना है तो हमारा जीवन सुखमय आनंदमय बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, ओम अरहम। तो समापन की ओर चलेंगे। हमारा समय ऑलरेडी 3-4 मिनट अधिक हो चुका है, इसके लिए समा प्रार्थी है। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक रूप से उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं मैं आनंदमय हूं, मैं आनंदमय शक्तिमय हूं, मेरे हूँ, भीतर अनंत चैतन्य अनंत का, अनंत चैतन्य आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। का इसका साक्षात्कार करना ही मेरे सागर जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा लहरा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञ कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयस जी आपका। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार। अशोक जी, आज का स्लोगन। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस एक का घंटा डोज, रोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक रोज। घंटा डोज। ओम ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। ओम अरहम।